अयोध्या विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी दावों का खेल भी लगातार जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर जल्द फैसला सुनाए जाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस तरह कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की और फैसला सुनाया, वैसे ही राम मंदिर बसने पर भी उम्मीद है। राम जन्मभूमि का मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है, इसको राजनीति से जोड़ कर नहीं देखा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जल्द फैसले की उम्मीद जताई है। हर राम भक्त इस आशा और प्रतीक्षा में है कि सुनवाई जल्दी पूरी होगी, जल्दी फैसला आएगा और राम मंदिर के निर्माण के मार्ग की बाधा हटेगी और मंदिर निर्माण शीघ्रता से होगा। एक बात स्पष्ट कर दूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर ही बनेगा, अब वहाँ बाबर के नाम की कोई इमारत और स्मारक नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अयोध्या विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में ये केस 43वें नंबर पर है। ये सुनवाई 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन का बंटवारा करते हुए दो हिस्से हिंदू पक्ष को और एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया था।